हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 8 एनिमल्स अराउंड अस, इसको हम स्टार्ट करके हैं, जिसका पेज नंबर 41 एंड 42 मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें आपको मैंने बताया था डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है, वाइल्ड एनिमल क्या होता है, पेट एनिमल क्या होता है, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ये सब। और आज है पेज नंबर 43, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्नेक लीव्स इन अ होल। स्नेक कहाँ रहता है? होल में, यानी ज़मीन के नीचे। ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये होल में से निकल के बाहर आ रहा है। उसके बाद है अ रैबिट लीव्स इन अ बुरो। और रैबिट कहाँ रहता है? बुरो में। बुरो यानी ये भी ज़मीन के अंदर ही गुफा की तरह छोटा सा, मतलब जितना रैबिट रह सके उतना छेद होता है उसमें रहता है ये। अ हैन लीव्स इन अ कूप। और हैन कहाँ रहती है? कूप में। इनके रहने के लिए ऐसी जाली वाली कोई ऐसे होती है, छोटी सी जाली वाली, जैसे एक अलमारी की अलमारी होती है उस तरह, उसमें उसको रखा जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन मैन मेड होम्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जिनको हमारे हम काम के लिए हम पालते हैं, जैसे कि दूध के लिए, ऊन के लिए, मीट के लिए, एग्स के लिए, उनको हम वो मैन मेड होम्स में रहते हैं, यानी जो इंसान घर बनाते हैं उनके लिए उसी में वो लोग रहते हैं। पेट्स लाइक डॉग्स आर केप्ट इन अ केनल। और डॉग्स कहाँ रहते हैं? कैनल में। हॉर्सेस आर केप्ट इन अ स्टेबल। हॉर्सेस कहाँ रहते हैं? स्टेबल में। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये डॉग है जो कैनल में रहता है और ये हॉर्सेस स्टेबल में रहता है। काउज आर केप्ट इन अ शेड। और काउज रहती है शेड में। शीप्स आर केप्ट इन अ पेन। हैंस आर केप्ट इन कूप्स। रैबिट्स लिव इन बुरोस। स्नेक्स लिव इन होल्स। मंकीज लिव ऑन ट्रीज। तो ये आपको सबके घर पता हो गए। स्नेक रहता है होल में, रैबिट रहता है बुरो में, हैन रहती है कूप में, डॉग रहता है कैनल में, हॉर्स रहता है स्टेबल में, काऊ रहती है शेड में, शिप रहती है पेन में, है ना, मंकी रहते हैं ट्री पे। उसके बाद देखिए फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनकी फूड हैबिट्स। जैसे हम इंसानों में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ खाता है तो कोई कुछ खाता है, कोई मीट खाता है तो कोई प्लांट्स खाता है, इसी तरह से एनिमल्स में भी ऐसे एनिमल्स होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स ग्रासेस लीव्स ईटीसी। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स ग्रास लीव्स यानी पत्तियाँ खाते हैं आर कॉल्ड हर्बीवर्स एनिमल्स, वो होते हैं हर्बीवर्स एनिमल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज वुड बी काउस हॉर्सेज गॉड्स ईटीसी। और इनके एग्जाम्पल हैं काउस यानी गाय, हॉर्सेज यानी घोड़ा, गॉड्स यानी बकरी, ये सब। इन द डोमेस्टिक व्यू एंड डियर्स ज़ेब्रास जिराफ्स ईटीसी इन द वाइल्ड। यानी डोमेस्टिक के हिसाब से, यानी घर पे जो रखने वाले हैं उनमें तो है काऊ, हॉर्स, गॉड, ये सब। और जो वाइल्ड एनिमल है उनमें से ज़ेब्रा, डियर, जिराफ, ये सब क्या हैं? हर्बीवर्स एनिमल्स। यानी ये सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट, ओनली प्लांट से बनी चीज़ें खाते हैं, यानी शाकाहारी हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं शाकाहारी। द एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स एनिमल। यानी वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को मार के उनका फ्लैश खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवर्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वुड बी लॉयन, टाइगर, स्नेक, ईटीसी। यानी जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं उनमें से हैं लॉयन, टाइगर, स्नेक, फॉक्स वगैरह, ये सब होते हैं कार्निवर्स एनिमल। ओके, और अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। और ये भी बता दूँ, इसका अगला वाला पेज आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये जो लास्ट बचा है आज का होमवर्क है आपका, आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 करवा चुके हैं, आज है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन 3 बोल रहा है आपको क्या करना है, जो आपने क्वेश्चन 2 किया था उसी के जस्ट नीचे आप 3 कर सकते हो अगर जगह है तो, अगर जगह नहीं है तो आपको ये न्यू पेज से करना है। हाउ आर स्कैवेंजर्स डिफरेंट फ्रॉम हार्बीवर्स, यानी स्कैवेंजर्स हार्बीवर्स से डिफरेंट कैसे होते हैं? तो आंसर है स्कैवेंजर्स डू नॉट हंट। जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो किसी भी जानवर को मारते नहीं हैं, शिकार नहीं करते उसका, बट ईट द लेफ्ट ओवर ऑफ द फ्लैश ईटर्स। लेकिन जो लॉयन, टाइगर वगैरह होते हैं ना, जो मांस खाते हैं, जो किसी भी जीव को मार के खा जाते हैं, उनका बचा हुआ जो मांस होता है वो ये स्कैवेंजर्स जो है वो खाते हैं। वाइल हर्बीवर्स ईट ओनली प्लांट्स ग्रासेस लीव्स ईटीसी। और
जो हर्बीवर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स, ग्रास और लीव्स खाते हैं। तो ये दोनों में ही डिफरेंस है। ये आपका आज का होमवर्क है, क्या क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसका आंसर। थैंक यू।